कलमना बस्ती में भूमाफिया और उनकी बदमाशी के कारण परिसर के लोग परेशान हैं। आए दिन इन लोगों की मनमानी बढ़ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें भूमाफियाओं ने फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी शिकायतकर्ता रवि डिकोडवार को दी है। इसी के मद्देनजर नागपुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष अमित दुबे ने शुक्रवार को कलमना पुलिस स्टेशन के DCP श्री साली को भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा है। गुंडे प्रवृत्ति के भूमाफिया संजय कारोड़े और उसकी गैंग की दहशत के कारण पुलिस अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। संजय कारोड़े ने 21 सितंबर को शाम के समय फोन कर रवि डिकोडवार को गोली मार कर जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज भी की। रवि ने इसकी शिकायत कलमना पुलिस को की। जब मामला नहीं सुलझा तब न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल के कार्यकर्ता अमित दुबे आगे आए। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन तीव्र किया जाएगा और इसके जिम्मेदार कलमना पुलिस होगी। हमारे पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष निखिल कोचे के नेतृत्व में हम सभी ने आज ट्रैफिक ऑफिस पुलिस उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर माननीय श्री DCP कलमना के DCP साहब साड़ी साहब से निवेदन किया है कि कलमना पुलिस स्टेशन अंतर्गत बहुत लोगों की गुंडागर्दी बढ़ रही है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इनका प्रॉपर्टी का विवाद है। एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका नाम है संजय कारोंडे। यह इन लोगों की ज़मीन पे कब्जा करता है और इनको इनके यहाँ एक महिला भेजता है और उसे कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारी ज़मीन पे हम कब्जा कर लेंगे। इन सभी लोगों ने पिछले एक साल से नियमित कलमना पुलिस स्टेशन में जाके बारम्बार तकरार दी है, बावजूद कलमना पुलिस इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। अब ये लोग क्या रास्ते पर आ जाएंगे? इनकी गुंडा गलती की कोई लिमिट नहीं है और अब इसका अंत करना जरूरी है। इसलिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल की ओर से माननीय DCP साहब कलमना साड़ी इन्हें निवेदन देने में आ रहा है और आरोपी संजय कारोडे को तुरंत गुना दाखिल कर अरेस्ट करने की मांग की गई है। अन्यथा फिर भी अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई न की गई तो हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल की ओर से कलमना पुलिस स्टेशन के सामने तीव्र आंदोलन करेंगे और इसकी मुख्य जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कलमना पुलिस स्टेशन की होगी। उपायुक्त श्री साड़ी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर विजय विश्वकर्मा, सुनीता खत्री, मनोज पौनीकर, सुशांत भाटिया, रवि डिकोडवार व कलमना बस्ती के सभी पीड़ित लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ दीपिका धनेश्वर, NBC News नागपुर।